So finally, 1st of December से FASTags पूरे देश में commercial और private vehicles के लिए mandatory हो जाएंगे और अब कुछ ही दिन बचे हैं इसके लागू होने में भी. तो सबसे पहले जो लोग अभी तक ये नहीं जानते या FASTag को लेकर किसी तरह का confusion उनके लिए है, सबसे पहले हम उनको बता देते हैं कि what is FASTag? FASTag आखिर है क्या? दरअसल ये एक चिप होता है जो आपकी गाड़ी के आगे वाले शीशे या विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और ये आपके बैंक अकाउंट या किसी मोबाइल वॉलेट से कनेक्टेड होता है, जिसे आप समय समय पर अपने सिम कार्ड की ही तरह रिचार्ज करवा सकते हैं. अब आपकी गाड़ी में ये चिप लगने के बाद होगा क्या कि जब भी आप किसी टोल से गुजरेंगे आपको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस टोल प्लाजा पर लगे कैमरा आपकी उस चिप को RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए रीड कर लेंगे और उस टोल का जितना भी चार्ज होगा वो आपके अकाउंट या ई वॉलेट में से कट जाएगा. तो अब ये सवाल आता है कि FASTag मिलेगा कहाँ? तो सबसे पहले हम ये बता दें कि दो तरह के FASTag होते हैं, एक बैंक स्पेसिफिक और एक बैंक न्यूट्रल. इन दोनों को थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं तो बैंक स्पेसिफिक से हमारा मतलब है कि आप अगर अपना FASTag किसी पर्टिकुलर बैंक जिसमें आपका अकाउंट है वहां से लेते हैं तो वो सिर्फ उसी अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिकली रिचार्ज होता रहेगा और आपके जो टोल का चार्ज है वो भी उसमें से कटता रहेगा. जितनी भी आपकी उसकी रिचार्ज लिमिट सेट करेंगे वो रिचार्ज लिमिट हर महीने ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहेगी. और वहीं दूसरी तरफ बैंक न्यूट्रल FASTag में आप अपना FASTag किसी टोल या ई वॉलेट ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं और FASTag ऐप के जरिए उसको अपने किसी भी खाते से रिचार्ज कर सकते हैं. और बैंक स्पेसिफिक FASTag आपको 22 अलग अलग बैंक की ब्रांच में उपलब्ध होंगे, जैसा कि उदाहरण के तौर पर SBI, ICICI, HDFC और कुछ अन्य बैंक. हालांकि अभी ये कुछ ही बैंक्स की ब्रांचेस में उपलब्ध होंगे और इसकी जानकारी आप माई FASTag ऐप के जरिए ले सकते हैं. इसके अलावा आप RTO ऑफिस, पेट्रोल पंप और फिर Amazon, Paytm और Airtel की जो पेमेंट्स ऐप हैं उन पर खरीद सकते हैं. और इन FASTag की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती अनटिल और अनलेस ये किसी तरह से डैमेज नहीं है. और अंत में हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप किन्हीं कारणों की वजह से इसको डिले कर रहे हैं तो आपको इसकी पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी. जैसे ही आप बिना FASTag के किसी टोल पर जाएंगे तो आपको कैश में उसका दुगना लगान नहीं लगानी यानी दुगना पेमेंट करना पड़ेगा. कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. नमस्कार.